कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं बचा है। कांग्रेस उद्योगपति कमलनाथ की प्राइवेट लिमिटेड बनकर रह गई है, वहां किसी की कोई सुनवाई नहीं होती। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने पहले जनता को धोखा देकर सरकार बना ली, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ ही धोखाधड़ी शुरू कर दी, इसलिए कांग्रेस पर उसके ही मंत्रियों और विधायकों का भरोसा नहीं बचा है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों के भाजपा में आने का सिलसिला जारी है, कांग्रेस पूरी तरह खत्म हो गई है। इस दौरान उन्होंने लोगों से उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिससे प्रदेश के किसानों और आम जनता से धोखाधड़ी करने वाली कांग्रेस का पूरी तरह सफाया किया जा सके। विधायक देखिए, राहुल लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, विधायक जी ने दमोह के। कांग्रेस में मैंने पहले कहा है कि कांग्रेस के ऊपर से कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के मंत्रियों जब थे सरकार में तो मंत्री विधायकों का विश्वास उठ चुका है और इसलिए जनता के विश्वास का तो सवाल ही नहीं उठता। और अभी तो एक राहुल लोधी और आए हैं इस्तीफा दे के, अभी दर्जनों राहुल लोधी हैं कांग्रेस में, क्योंकि अब कांग्रेस खत्म, कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा करती आई है पर अब वो जनप्रतिनिधियों के साथ भी धोखा कर रही है। अब एक प्राइवेट लिमिटेड एक उद्योगपति की पार्टी हो गई कांग्रेस कमलनाथ की, और वो जैसे उद्योग चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी चला रहा है। अब कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं रहा, किसी की कोई सुनवाई नहीं रही है, अब तो चलो चलो है। और इसलिए कांग्रेस में मैंने कहा था कि जैसे आम के पेड़ में जब केरी पकती है और टपा टप टपक रही है, ऐसी कांग्रेस टपक रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।